स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का नाम क्या है? ए मेमोरियल, बी निहोन हिदानिक्यो, सी ग्रीन पीस, डी संयुक्त राष्ट्र। आंसर बी निहोन हिदानिक्यो। एक्सप्लेनेशन, 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों हिबाकुशा का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिदानिक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संगठन दुनिया को विनाशकारी हथियारों से मुक्त कराने के प्रयास में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए नटराजन चंद्रशेखरन, बी राजेश गोपीनाथ, सी साइरस मिस्त्री, डी नोएल टाटा। आंसर डी नोएल टाटा। एक्सप्लेनेशन, 9 अक्टूबर 2024 को अपने सौतेले भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के बारे में कहा कि वे रतन टाटा और टाटा ग्रुप के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। नोएल टाटा ने कहा कि वह अपने साथी ट्रस्टियों द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी से बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर, डी 30 अक्टूबर। आंसर बी 11 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में इस दिन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा इस सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। कार्यक्रम को आयोग महासभा से मंजूरी मिलनी बाकी है जिसकी बैठक 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ए कैमूर, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। आंसर ए कैमूर। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण में सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किमी है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप कौन शपथ ली? ए महबूबा मुफ्ती, बी उमर अब्दुल्ला, सी फारूक अब्दुल्ला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी उमर अब्दुल्ला। एक्सप्लेनेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। उमर के साथ सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद दार, सकीना एटू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न, किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी एंडी मरे, डी कार्लोस अल्कारेज। आंसर बी राफेल नडाल। एक्सप्लेनेशन, स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है, साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी है। नडाल ने अपने करियर में 92 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी इंग्लैंड। आंसर ए भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। संजू सैमसन के पहले T20 शतक की बदौलत टीम ने 297/6 का विशाल स्कोर बनाया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां, डी
14वां आंसर डी 14वां एक्सप्लेनेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे ये भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE बन गया है। यह मील का पत्थर HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। अगला प्रश्न, ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? ए चिराग पासवान, बी एकनाथ शिंदे, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। आंसर डी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ए डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, बी डेविड कार्ड, जोशुआ एंड्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, सी अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, डी पॉल रोमर, विलियम नॉर्डहॉर्स। आंसर ए डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। एक्सप्लेनेशन, 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस विक्सबैंक पुरस्कार डारोन असामोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और देश की समृद्धि पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। अगला प्रश्न, 2025-26 के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली? ए मसूर, बी रैपसीड और सरसों, सी चना, डी गेहूं। आंसर बी रैपसीड और सरसों। एक्सप्लेनेशन, सबसे अधिक MSP वृद्धि रैपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए नया MSP 5,950 है तथा मसूर के लिए वृद्धि 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, जबकि गेहूं का नया MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है। अगला प्रश्न, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए हरमनप्रीत कौर, बी झूलन गोस्वामी, सी मिताली राज, डी नीतू डेविड। आंसर डी नीतू डेविड। एक्सप्लेनेशन, ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज अलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज ABD विलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम का उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी KL राहुल, डी ऋषभ पंत। आंसर बी विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ M चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे पहले मैच में 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। हालांकि इनमें से कोहली 197 पारी के हिसाब से इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे स्लो बल्लेबाज रहे। अगला प्रश्न, किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? ए कृति सैनन, बी विराट कोहली, सी रश्मिका मंदाना, डी अनुष्का शर्मा। आंसर सी रश्मिका मंदाना। एक्सप्लेनेशन, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IRC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीपफेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीपफेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।